नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज हम सब बात करेंगे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जो वेंचर किसानों के लिए हो सकता है फ्लोरिकल्चर में एल्स्टोमेरिया पुष्प का उत्पादन। और इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कश्यप जी। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। हम सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे एल्स्टोमेरिया जो ये पुष्प है, ये किस तरह के इसका क्या हिमाचल और अन्य राज्यों में इसका क्या महत्व है और किसान इसे कैसे लगा सकते हैं? एल्स्टोमेरिया एक बहुत ही अच्छा कट फ्लावर का फूल है, जिसे कि लगभग 2000 में हिमाचल में लाया गया था। इसे कट फ्लावर के रूप में, गमलीय पौधों के रूप में एवं क्यारियों के लिए भी उगाया जा सकता है। ये हिमाचल प्रदेश में, अगर हम बात करें तो शिमला, चायल, पालमपुर इत्यादि क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। और ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा रहा है जहाँ माइल्ड सा क्लाइमेट है। ये हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती से ऊँचे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, जहाँ तक में हाइट जो है 1500 मीटर तक की हो सकती है। और इसे ओपन में भी उगाया जा सकता है, लेकिन शेड नेट या पॉलीहाउस कंडीशंस ज़्यादा अच्छी है। अगर मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो हमारा जो वातानुकूलित पॉलीहाउसेज है वो बहुत अच्छे हैं इसकी खेती के लिए, और उसमें थोड़ा सा आपको शेड नेट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 25% जो सांद्रता वाला आप घनत्व वाला शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसकी खेती के लिए होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप गर्म इलाकों में थोड़ा सा इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे पॉली हाउसेस की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें टेम्परेचर और लाइट, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ का कंट्रोल मौजूद हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हर एक क्षेत्र में लगभग इसके लिए नॉर्मल जो आपका वातानुकूलित जो पॉली हाउसेज है, जिसे हम वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज बोलते हैं, पार्शियली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज बोलते हैं, वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये तमिलनाडु, ऊटी और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जितनी भी, वहाँ सभी जगह उगाया जा रहा है। इसे पेरुवियन लिली या पैरेट लिली भी कहा जाता है। बेसिकली ये दक्षिणी अमेरिका का नेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी सफल खेती कई क्षेत्रों में की जा रही है। इसे लगाने का बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें, किस तरह से लगता है, क्या कटिंग से होता है, क्या इसके सीड्स मिलते हैं? तक एल्स्टोमेरिया को लगाने की बात है, इसे हम प्रकंदों द्वारा लगाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे अदरक का प्रकंद होता है, जो राइजोम होता है, इस तरह से इसको लगाते हैं। अगर हम प्रोपेग्यूल की बात करें तो ये पूरा पौधा है जिसे आपको शुरू में लगाना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो इसका प्रकंद होता है ये इस तरह से लंबा फैलता है और इसमें ट्यूबरस रूट्स भी होती है। तो जब भी किसान भाइयों या बहनों ने इसको पौधे को सिलेक्ट करना है तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें ये वाली जड़ें जो ट्यूबरस रूट है ये तो होनी ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं फ्लैशी रूट्स हैं, ये स्टोरेज का काम कर रही है, ये इसके लिए भोजन बना के इस संग्रहित कर रही है, ये तो इसमें पोर्शन होना ही चाहिए। साथ में इसमें जो ग्रो करने वाला एक्टिव पॉइंट है, नया जो तना जहाँ से शुरू होता है, ये भी इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ जो स्टोरेज रूट वाला ही पोर्शन लेंगे तो जो आगे पौधे की बढ़वार है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी अगर आपने प्लांटिंग मटेरियल आइडियल लेना है उसमें 2-3 ट्यूबरस रूट और एक नया शूट उगने वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। इस तरह के प्रकंद को ही हम आइडियल जो प्लांटिंग मटेरियल एल्स्टोमेरिया का मानते हैं। जब आप खेत में इसे लगाने की बात करते हैं तो ये जो पौधा है एल्स्टोमेरिया, इसे बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक मैटर की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सीधे नहीं लगाया जाता। इसके लिए हम पॉली हाउस में पहले बेड्स को, यानी कि पिट्स को खोदते हैं। अगर 1x1 मीटर की आप बेड खोदते हैं, उसे लगभग आपको 2 फुट नीचे खोदना है और उसमें फिर जो आर्टिफिशियल माध्यम आपको जो बनाना है उसको भरना है। क्योंकि अगर आप सैंड सॉइल FYM में नॉर्मली इसको लगाएंगे तो जो आपकी जो फसल है उतनी उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो जो मीडिया है, मिश्रण है, वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपने सैंड सॉइल FYM का एक साधारण मिश्रण बना लेना है जिसमें कि हर एक की दर 1% होनी चाहिए, जैसे कि जो इसका वॉल्यूम है 1x1x1 होना चाहिए सैंड सॉइल और FYM का। फिर इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1x1 भाग में बना लेना है और जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें सैंड सॉइल
FYM का दो भाग, कोकोपीट का एक भाग और वर्मी कंपोस्ट का एक भाग बना के मिश्रण आप उस पिट्स में भर सकते हैं और उसमें आपने जो राइजोम है एल्स्ट्रोमीडिया के उसको प्लांट करना है। फिर बात आ जाती है कि प्लांटिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी दूरी पे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जैसा हमने आपको बताया कि राइजोम कैसा होना चाहिए, उसमें दो तीन शूट होने चाहिए और ट्यूबरस रूट भी होनी चाहिए, उस तरह का आपने प्लांटिंग मटीरियल लेना है। और जो ये पिट्स हैं जो कि 1x1 मीटर के हैं, उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को लगाना है, यानी कि 1 मीटर में आपने 4 पौधे लगाना है। चार पौधे लगाने से आपको बिल्कुल चार कोनों के बीच में ये जो है पौधे लग जाएंगे और इस तरह से आप इसको पौधों को लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको इसमें इमीडिएटली पानी की आवश्यकता होती है। पानी देने के बाद फिर इसकी बढ़वार शुरू हो जाएगी और जो आइडियल टाइम है प्लांटिंग का वो अक्टूबर नवंबर है। जब आप अक्टूबर नवंबर में प्लांटिंग करते हैं तो आपका जो फर्स्ट फ्लश है वो मार्च अप्रैल में आएगा। मार्च अप्रैल में जो फ्लश आता है वो उसमें फूल थोड़े कम होते हैं, लगभग आपके 4 से 6 शूट ही पहले साल में फ्लावरिंग आएगी। लेकिन उसके बाद ये जब गर्मियां शुरू हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर 14 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, फूलों की थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसके पश्चात ये फूल थोड़ा सा, अगर हम मई से लेकर सितंबर तक की बात करें तो उस वक़्त ये थोड़ा सा डोरमेंट हो जाएगा। फिर उसके पश्चात इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, और फिर जो उसका मेन फ्लश आएगा वो अप्रैल में आएगा। यानी कि जो एक बार अगर आप फसल लगाते हैं तो जो अच्छी उपज आपने प्राप्त करनी है तो वो अगले अप्रैल में प्राप्त होगी। कार्य हैं जो करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो जब पहले साल में आप लगाते हैं इसको तो उसके बाद फूलों को आप अप्रैल मई में काट सकते हैं। काटने के पश्चात ये फूल थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद आपने इसमें सितंबर अक्टूबर के पश्चात इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उस वक़्त आप इसमें फर्टिगेशन दे सकते हैं। फर्टिगेशन के लिए आप NPK 100, 150 और 100 PPM का उपयोग किया कर सकते हैं, जिसको कि आपने 19-19-19 फर्टिलाइज़र के माध्यम से देना है। ये इस तरह की स्प्रे जो है आप फर्टिगेशन है ये हफ्ते में 2 बार शुरू कर सकते हैं और प्लांटिंग के इसके बाद सेकेंड फ्लश में आपकी ये जनवरी से फूल आने थोड़े बहुत शुरू हो जाएंगे और अप्रैल में आपका मेन फ्लश आएगा। एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है एल्स्ट्रोमीडिया में वो है कि ये जो सेकेंड ईयर में इसके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं मीटर स्क्वायर के बेड में, तो उसमें लगभग 300-400 जो स्टेम्स है वो हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पौधा देखिए कितना घना हो जाता है सेकेंड ईयर में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो होती है शूट थिनिंग की बात, यानी कि जो भी शूट आपका फूल नहीं देने वाला है या कमज़ोर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये शूट काफ़ी कमज़ोर है, इसका जो स्टेम बनेगा कट स्टेम होगा वो अच्छा नहीं होगा, या फिर ये जो स्टेम्स नीचे गिर गए हुए हैं जिसमें स्टेकिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, आप देख रहे हैं कितने ये अनप्रोडक्टिव शूट हैं, इनको ब्लाइंड शूट भी कहते हैं, ये आपको अच्छा कट फ्लावर नहीं देंगे, तो आपको इनको अपरूट करके जड़ के समेत बाहर निकालना होगा। आप देख पाएंगे कि इसमें ये जो जब आप इसको थिनिंग करते हैं तो ये जड़ के साथ इसका पूरा पोर्शन निकालना होता है। थिनिंग की बात करें तो हर क्रॉप में सेकेंड ईयर में 30% की जो शूट थिनिंग है वो रिक्वायर्ड होती है, उसके पश्चात फूलों की आप अच्छे हेल्दी कट स्टेम को प्राप्त कर सकते हैं। एल्स्ट्रोमीडिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है जिसे कहते हैं स्टेकिंग, क्योंकि ये वेराइटीज़ जो हैं ज़्यादातर वेराइटीज़ इसमें 100 सेंटीमीटर डेढ़ से ऊपर हो जाती हैं और ये गिरने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी कोई कट स्टेम आपका गिर जाएगा उसकी डंडी टेढ़ी होगी तो उसकी मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, इसलिए हमें इसमें स्टेकिंग या सहारा देना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्राय जो कमर्शियल लेवल पे हम करते हैं तो जो कार्नेशन में नेट लगता है उसी नेट का प्रयोग एल्स्ट्रोमीडिया में भी किया जाता है, लेकिन उससे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये अपने इंडिजिनस तरीके से एल्स्ट्रोमीडिया को स्टेकिंग किया है, जिसमें कि हमने बांस की खरपच्चियों और ये नायलॉन की रोप का ही इस्तेमाल किया है, तो इससे जो कट स्टेम है बिल्कुल सीधे रहते हैं और इसके देखने में भी काफ़ी पौधे अच्छे लगते हैं। जो भी एल्स्ट्रोमीडिया की छोटी वेराइटीज़ हैं या ड्वार्फ वेराइटीज़ है उसमें इस तरह की स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती,
कई वैरायटीज़ हैं, जैसे कैप्री है हमारी, वो कमर्शियल वैरायटी है, और एक हमारी ये अपने ही डॉक्टर वाई एस परमार की सिलेक्शन है। ये काफ़ी छोटी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये सीधी स्वयं भी सीधी खड़ी रह सकती है। हिमाचल के जो क्षेत्रों के लिए है, सेरेना, अलादीन और रियाना, कैप्री, टियारा, सिलेक्शन रेड, पियंटम, प्लूटो, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको अनुमोदित किया गया है। इन सभी में से अगर देखा जाए तो सेरेना और कैप्री है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और एक टियारा जो है वैरायटी, ये भी नई वैरायटी है, ये बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म कर रही है। तो किसान भाई लोग, हम लोग डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से ही इसी का प्रकंद प्राप्त कर सकते हैं और हम किसानों को इसका मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी 16-17 और जो नई वैरायटीज़ है, जिसको कि हमने बीज के द्वारा उत्पादित किया है और ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, 2-3 सालों में हम किसानों को इसका भी मटेरियल है उपलब्ध करवा पाएंगे। 5 से 6 महीने के पश्चात आपकी फसल पहला फ्लश दे देती है, यानी कि अगर आपने अक्टूबर में क्रॉप लगाई है, राइजोम लगाए हैं, तो आपके अप्रैल में पहला फ्लश आ जाएगा। बात आ जाती है कि आपको उसे मंडी में कब भेजना है। तो जब भी आपने दूरगामी मंडी के लिए फूलों को तैयार करना है, तो आपको देखना है कि फूल इस तरह का हो, इसमें ये पूरा फूल खुला नहीं होना चाहिए, आपकी ये थोड़ी सी बंद अवस्था में ही आपको फूलों को हार्वेस्ट करना है। और हार्वेस्टिंग का तरीका यह है कि आप इसको फूल को पूरा डंडी समेत उखाड़ लेंगे, या इसको काट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप डंडी समेत उखाड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है, सफ़ेद वाला पोर्शन, ये भी साथ आ जाता है। इसको आपने मंडी में नहीं भेजना है, इसको आपने 15-20 सेंटीमीटर काट देना है और उसके बाद इसके गुच्छे बना के आप मार्केट में भेज सकते हैं। इसके बाद आपने इसको पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल देना है। और जब बात आ जाती है लोकल मार्केट की, हमने नज़दीक की मंडियों में ही भेजना है, तो फूल इस तरह से उसमें 3-4 फूल खुले हुए होने चाहिए और इस तरह से आप इसको निकाल के बाल्टी में डाल के मंडियों में भेज सकते हैं। एल्स्टोमीरिया पुष्प हिमाचल के लिए एक बहुत ही अच्छी फसल साबित हो सकता है। ये विविधीकरण के लिए बहुत अच्छी क्रॉप है, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन अभी तक कार्नेशन, क्राइसेंथेमम ही लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने रोज़ और जरबरा भी लगाया है, लेकिन ये एक बिल्कुल नया पुष्प है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने नहीं लगाया है। इसमें जो इंसेक्ट इत्यादि हैं और बीमारियाँ, ये भी बहुत कम लगती है। इसमें जो मेनली एक इंसेक्ट आता है, वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी आती है, वही उसका ही प्रकोप होता है। लेकिन उसके लिए भी अगर हम इस तरह के येलो ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल 100% कंट्रोल हो जाता है और आपको एक भी स्प्रे इसमें पूरी क्रॉप में लगानी नहीं पड़ती, और एक येलो ट्रैप को आप लगभग 2 साल तक लगा रहने दे सकते हैं। और जहां तक बात आती है बीमारियों की, तो इसमें वैसे अगर आप पॉली हाउसेज में उगा रहे हैं तो कोई भी बीमारी नहीं आती है, लेकिन ओपन कंडीशन में या शेड नेट में इसमें थोड़ा सा राइजोम का जो है सड़न का रोग हो सकता है। उसके बचाव के लिए भी, उसके दान के लिए भी आपको पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाने देना है और पानी का ठीक तरह से ड्रेनेज का प्रबंध करना है, तो उससे ये पूरी फसल का अच्छे तरह से कंट्रोल हो जाता है। एल्स्टोमीरिया या अन्य किसी भी फूलों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी के पुष्प एवं स्थल सौंदर्य विभाग के डिपार्टमेंट से दूरभाष नंबर या हमारे किसान हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।